नमस्कार, मैं हूं सांत्वना और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के माध्यम से अब बिहार की प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। ये नियोजन इकाइयों से बाहर होंगे और इनका अलग संवर्ग और वेतनमान होगा। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग ने ये अहम फैसला लिया है। क्या है पूरी खबर, आइए बताते हैं आपको विस्तार में। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के माध्यम से प्रदेश के 40,058 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक और 5,334 नए यानी उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हेडमास्टर यानी प्रधानाध्यापक की बहाली होगी। खास बात यह है कि देश के आज़ादी के बाद पहली बार प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के पद का सृजन और फिर उस पर बहाली प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। गत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूली शिक्षा के विकास एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता जताई थी। तब उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक का संवर्ग और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का संवर्ग का गठन करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा पर तत्काल अमल करते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के लिए 40,058 पद और नए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के लिए 5,334 पद का सृजन किया गया है। इन पदों पर मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है और अब बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से आयोग ने अधियाचना भेजी जाएगी। प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापक को विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन हेतु विशेष अधिकार भी दिए जाएंगे, क्योंकि ये सभी शिक्षा विभाग के गाइडलाइन पर काम करेंगे। ये नियोजन इकाइयों से बाहर रहेंगे और इनका अलग संवर्ग व वेतनमान होगा। यूं कहें कि ये राज्य कर्मचारी होंगे। इस व्यवस्था से स्कूली शिक्षा व्यवस्था में दूरगामी बदलाव एवं सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्य में 29,000 मवी से पहले से प्रधानाध्यापकों की पद सृजित है और उसमें जितने पद खाली है उन्हें चिन्हित कर आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित प्रधानाध्यापकों से ही भरा जाएगा। क्या होगी पात्रता? प्रधान शिक्षक पद के लिए स्नातक और बीएड डीएलएड के अलावा 5 वर्ष का अनुभव होगा। प्रधानाध्यापक पद हेतु मास्टर डिग्री और बीएड एमएड तथा न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। निजी विद्यालयों में जिम्मेदारी संभाल रहे योग्य शिक्षकों को भी मौका दिया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज फॉर्मेशन में। नमस्कार।